हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है, बहुत से मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। तो दोस्तों आज जो उत्तर है वो बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। दोस्तों स्पिनिंग जेनी एक मशीन है दोस्तों, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, एक नंबर में ओटी या एक शब्द या कुछ में भी पूछा जा सकता है। जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में कौन सी मशीन का निर्माण किया, तो वो होगा स्पिनिंग जेनी। या उसमें पूछा जा सकता है, जेम्स हरग्रीव्स ने खालिस्तान में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, तो 1764 कुछ भी पूछा जा सकता है। इस मशीन में कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया। दोस्तों जो ऊन से धागा बनता है उसकी प्रक्रिया को तेज कर दिया। ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया। इस मशीन के आने के बाद मजदूरों की मांग घटने लगी, यानी ये एक मशीन 10 व्यक्ति के बराबर पे काम करता था और इसमें टाइम की बचत और ज़्यादा मुनाफा, तो इसके कारण इसमें मजदूरों की मांग की कमी हो गई और एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों, जो महात्मा गांधी जी चलाते थे ना, वो इस प्रकार की, वो उससे वो डोरा सीते थे, वो एक चलाते थे, लेकिन इसे एक 10 लगी रहती हैं, 10 चला सकते हैं, एक व्यक्ति 10 क्या चला सकता है, तकलियों को घुमा देता है और एक साथ बहुत से धागे बन जाते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या बड़ी हो गई और इस क्षेत्र में महिलाएं तथा जो धागा निर्माण का कार्य था ज़्यादातर उसमें महिलाएं थीं और उनका इसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ा। अतः ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला कर दिया, क्योंकि इस मशीन के कारण उनका रोजगार, नौकरियां छीनी जा रही थी या छिन रही थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।